नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज जिस प्लेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है रानीखेत। तो अगर आप भी उत्तराखंड में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रानीखेत एक काफी अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आप यहां पर घूमने के साथ साथ ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। हिमालय की पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा ये शहर आपके मन को तरोताजा कर देगा। यही नहीं, यहां पर आप वन्य जीवों की कई सारी प्रजातियां भी देख सकते हैं। रानीखेत में आने के बाद आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, देवदार के ऊँचे पेड़, हिमालय की ऊँची चोटियाँ और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज के मजे ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं रानीखेत और इसके आसपास में जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में, जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रानीखेत के इतिहास के बारे में। रानीखेत को ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखें तो वो समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने 1869 में कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय की स्थापना रानीखेत में की थी। रानीखेत की खोज कैसे हुई? तो रानीखेत की खोज के बारे में ये कहा जाता है कि राजा सुधीर की पत्नी पद्मिनी के द्वारा रानीखेत की खोज हुई। रानी जब यहाँ से निकल रही थी और यहाँ की सुंदरता उन्होंने देखी तो रानी ने राजा के साथ यहीं पर ठहरने का फैसला कर लिया और इसी फैसले पर राजा ने यहाँ का नाम रानीखेत रख दिया। रानीखेत के प्रमुख दर्शनीय स्थल, चलिए अब आपको रानीखेत के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, चौबटिया गार्डन। चौबटिया गार्डन में आपको कई सारे उद्यान देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप एप्रिकोट के उद्यान और आड़ू के उद्यान, ओक के उद्यान, बादाम के और सेब के उद्यान यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के जो उद्यान होते हैं उनको देखने में कुछ इंटरेस्ट है तो आपको चौबटिया गार्डन में विजिट करना चाहिए। सेकंड, आशियाना पार्क। आशियाना पार्क बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे जंगल थीम पर बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक हर्बल गार्डन भी है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम जो है आशियाना पार्क में स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड, गोल्फ कोर्स। रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड एशिया के सबसे बड़े नेचुरल गोल्फ ग्राउंड में से एक है, जो रानीखेत बस स्टैंड से लगभग 5.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती है और यहाँ पर जो है कई सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ, रानी झील। रानी झील रानीखेत बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे रानीखेत के छावनी परिसर के द्वारा स्थापित किया गया। इस झील में भी आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर झूलों की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पे बच्चों को झूला झूला सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो फिर बोटिंग के लिए जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो आपको देना पड़ेगा। फिफ्थ, एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क रानी झील के बराबर में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और इस पार्क में भी आपको फ्री में एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स, बर्मा ब्रिज, वाटर बॉल, तो आपको यहाँ पर उसके लिए चार्ज देना होगा। और एक बात और, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के कोई एक्टिविटी करते हुए पाया जाता है तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना जो है देना पड़ सकता है। तो अगर आपको भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने का मन है तो आप यहाँ पर आकर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सिक्स्थ, झूला देवी टेम्पल। माँ दुर्गा के इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था और यह रानीखेत से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। इस मंदिर को मंदिर परिसर में लटके घंटियों की वजह से पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और जैसे ही किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वो इस मंदिर में तांबे की घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो मंदिर में आपको बहुत सारी इस तरह की तांबे की जो घंटियाँ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। सेवन, कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर।
कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत का जो मुख्य शहर है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये एक तरह का म्यूजियम है जिसमें विभिन्न युद्धों में पकड़े गए जो अस्त्र और ध्वज हैं वो रखे गए हैं। तो अगर सही मायने में हम देखें तो ये म्यूजियम उन लोगों के लिए है जो पुराने समय में यूज होने वाले हथियार वगैरह को देखने का शौक रखते हैं। तो अगर इस तरह का शौक आपको भी है तो आप भी कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में जाकर ये सब चीजें देख सकते हैं। 8 बिनसर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर लगभग 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और रानीखेत मुख्य शहर से इसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस मंदिर में चारों ओर आपको देवदार और बलूत के पेड़ देखने को मिलेंगे जो इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। 9th भालू डैम। भालू डैम जाने के लिए सबसे पहले आपको चौबटिया गार्डन जाना होगा क्योंकि चौबटिया गार्डन से भालू डैम लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अगर आप चौबटिया गार्डन जाते हैं तो वहां से आप भालू डैम भी जा सकते हैं। भालू डैम का रास्ता चौबटिया गार्डन से नीचे की ओर जाता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल लेक है जिसका निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1903 में करवाया था। यहाँ से आप हिमालय के सुंदर नजारे देख सकते हैं। 10th कालिका देवी मंदिर। रानीखेत शहर में देवी कालिका को समर्पित यह मंदिर काफी प्राचीन है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कराया गया था। रानीखेत से इस मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। इस मंदिर से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित माँ कालिका देवी अपने सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। 11th ताड़ीखेत गाँव। रानीखेत का ताड़ीखेत गांव एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है और यहां पर एक गांधी कुटिया है, साथ ही यहां पर एक गोलू देवता का मंदिर भी है। तो अगर आप किसी गांव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहां के कल्चर के बारे में और ज्यादा करीब से जानना चाहते हैं तो आपको ताड़ीखेत गांव में जरूर विजिट करना चाहिए। 12th राम मंदिर। चौबटिया गार्डन के पास और रानीखेत से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर स्थित है। राम मंदिर में एक मठ है जहां छात्रों को कई प्रकार की शिक्षा दी जाती है और अगर आप भी इस तरह शिक्षाओं में रुचि रखते हैं तो आपको यहां जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यह राम मंदिर भगवान राम को समर्पित है। 13th सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट रानीखेत का एक काफी ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से आप सनसेट का नजारा देख सकते हैं और भव्य हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का मनोरम दृश्य भी आप देख सकते हैं। 14th मनीला। रानीखेत के पास स्थित मनीला शहर अपने मां मनीला देवी मंदिर की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहां से आप हिमालय के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। मनीला लोक गीतों और परंपराओं से भरा एक ऐसा स्थान है जहां के लोग अपनी परंपराओं और विरासत में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप भी कुमाऊं के कल्चर को और ज्यादा करीब से जानना चाहते हैं तो आपको मनीला में जरूर विजिट करना चाहिए। 15th मन कामेश्वर मंदिर। मन कामेश्वर मंदिर का निर्माण भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा कराया गया था जो पिथौरागढ़ में नरसिंह मैदान के पास स्थित है। इस मंदिर में अक्सर रेजिमेंट के परिवार के सदस्य आते हैं। 16th द्वाराहाट। द्वाराहाट रानीखेत से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान न सिर्फ हरी भरी वादियों से घिरा है बल्कि इसका पुरातात्विक महत्व भी है। यहाँ पर मध्ययुगीन काल में कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित 55 विषम प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। आप इन मंदिरों के अलावा यहाँ से हिमालय दर्शन भी कर सकते हैं। 17th हैड़ाखान मंदिर। यह मंदिर हैड़ाखान द्वारा बनाया गया है जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हैड़ाखान शिव मंदिर मुख्य रानीखेत शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जंगल की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ेगा। 18th मझखाली। मझखाली रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और काली मंदिर के लिए जाना जाता है। इसके आसपास कई सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं
और साथ ही यहाँ से आप बर्फ से ढके हिमालय का शानदार दृश्य देख सकते हैं। 19 खेत रानीखेत से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अद्वितीय सुंदरता के साथ एक दर्शनीय स्थल है जिसे श्यालीखेत के नाम से जाना जाता है। श्यालीखेत हरे भरे जंगलों और सेब के बागों के बीच स्थित है। 28 कटारमल यह सूर्य देव का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। पहला उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कटारमल 800 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो ये तो बात हुई रानीखेत में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट में आप जा सकते हैं। अब बात आती है रानीखेत में कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज की सुविधा उपलब्ध है। रानीखेत में आप कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, बर्मा ब्रिज, वाटरबॉल, फ्लाइंग फॉक्स, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, बंजी जंपिंग, गोल्फिंग। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और पैराग्लाइडिंग के लिए तो रानीखेत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पैराग्लाइडिंग ट्रैक रानीखेत शहर के बस स्टैंड से 12 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। तो अगर आप रानीखेत आते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं तो फिर आपको यहाँ पर ज़रूर इन सब एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहिए। इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा आप रानीखेत में फ़िशिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर चौबटिया से कुछ किलोमीटर दूर कोसी नदी पर भालू डैम बना है जहाँ पर लोग मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आपको भी फिशिंग करना पसंद है या फर्स्ट टाइम आप फिशिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। रानीखेत में शॉपिंग, रानीखेत में आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मॉल रोड काफ़ी पॉपुलर है जहाँ टूरिस्ट अलग अलग तरह के वुलन कपड़े लेना पसंद करते हैं। और इसके अलावा आप कुमाऊँ की फेमस मिठाई बाल मिठाई भी ले सकते हैं। रानीखेत में रेस्टोरेंट और स्थानीय भोजन, रानीखेत के रेस्टोरेंट्स में आपको उत्तर भारतीय, चीनी, तिब्बती, यूरोपीय और एशियाई डिशेज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप रानीखेत में आए हैं तो यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम यूनिक सा और ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो यहाँ पर आकर आपको एक बार यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जैसे कि भांग की खटाई हो गया, आलू दाल पकौड़ा हो गया और सिसुंग का साग हो गया। इस तरह की मतलब कई सारे लोकल फूड्स यहाँ के हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं, तो आपको भी एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रानीखेत जाने का सबसे अच्छा टाइम, रानीखेत जाने का सबसे अच्छा टाइम गर्मी का है, क्योंकि यहाँ पर आपको गर्मी के टाइम में भी थोड़ी बहुत ठंड जो है ज़रूर लगेगी। इसलिए अगर आप शहर में रहते हैं और वहाँ की चिलचिलाती हुई गर्मी से कुछ राहत पाना चाहते हैं तो फिर आपको समर्स में जो है रानीखेत ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप सर्दियों में यहाँ पर आ सकते हैं। रानीखेत कैसे पहुँचे, रानीखेत का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है जो यहाँ से 119 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर जो है रानीखेत पहुँच सकते हैं। साथ ही रानीखेत कई प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो आप वहां से भी जो है रानीखेत के लिए बसेस लेकर यहां आ सकते हैं। और अगर रेलवे स्टेशन की बात हम करें तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन रानीखेत से लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहां से आप टैक्सी लेकर जो है रानीखेत पहुंच सकते हैं। तो ये थी रानीखेत से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर इसके अलावा भी आप किसी तरह की और जानकारी चाहते हैं रानीखेत के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अब आगे आप कौन सी जगह के बारे में जानना पसंद करेंगे उस बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल UK Video World को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।